हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने तरकश से एक तीर निकाले हैं। यह तीर कितने भेदने में कामयाब रहेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन बरोदा हलके से पहलवान नाम का तीर उतार कर बीजेपी ने सियासत को गर्मा दिया है। पहलवान भी अब पूरी तरह से तीरंदाजी का प्रयोग करने लगे हैं और हुड्डागढ़ को भेदने का लक्ष्य लेकर कई गांवों का दौरा कर चुके हैं। मोई गांव में खबर तहलका संवाददाता काव्या से राजनीतिक हलचल के बारे में खास बात करते हुए देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आए बड़ौदा के मोई हुड्डा में, तो चलिए महिलाओं की राय जानते हैं। पार्टी चुनेंगे या फिर व्यक्ति? ऑफ कोर्स व्यक्ति। क्यों? क्योंकि पार्टी थोड़ी ना डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स वो इंसान कैसा है, वो किस तरीके से तरक्की करेगा, वो किस तरीके से काम करेगा जिसके वजह से इस एरिया में डेवलपमेंट हो सके। तो आप किसको चुनना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? ऑफ कोर्स योगेश्वर दत्त, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हुम वी कैन बिलीव प्रॉपरली। ही इज़ अ पर्सन विद गुड कैरेक्टर एज वेल, एंड एज वी हैव सीन ही इज़ अ वेरी गुड ओलंपिक प्लेयर एंड ही हैज फॉट फॉर हिज कंट्री। सो ऑफ कोर्स वी विल गो फॉर हिम एज ही इज़ गोना प्रूव हिमसेल्फ वेरी गुड। कैसे लगते हैं आपको योगेश्वर दत्त, खड़े हो पाएंगे इस बार? हाँ जी, खड़े हो पाएंगे, बन जाएंगे जी, अच्छी बार सही हो रहेंगे, खूब देंगे बीजेपी, इसी को बनाएंगे हम तो। योगेश्वर दत्त योगेश्वर दत्त बीजेपी को देना चाहते हैं? योगेश्वर दत्त को देना चाहते हैं। मोदी के नाम से जो बीजेपी चल रही है इस वजह से? बस वो कुछ भी लगा लो, ये तो अपने खिलाड़ी हैं, अपने आप हैं हमारे आदमी, हमारे योगेश्वर। कोई योग्यता उनकी? योग्यता खिलाड़ी हैं, अभी अपने ब्राह्मण भाई हैं, अपने उसमें बनाने हैं, हमने करना है। अच्छा। और बना के दिखाएंगे हम उसको। तो भारी मतों से योगेश्वर दत्त जीतना चाहते हैं इस बार? हाँ जी बिल्कुल जीतेंगे। तो आपका वोट भी उनकी है? बिल्कुल जी, कांग्रेस वोट फॉरवर्ड ही। हाँ जी बिल्कुल। तो महिलाओं की हमने राय जानी, योगेश्वर दत्त को ही उनका वोट जाएगा क्योंकि मोदी पार्टी बीजेपी पार्टी के लिए वो खड़े हुए हैं। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ विशेषता अग्रवाल, खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।